हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रतिशत के बारे में। जैसे कि बोला जाता है प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या है? तो प्रतिशत में जो यहां पे दो शब्द हमको मिलते हैं, एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। तो इस प्रकार से अगर हम प्रतिशत बोलते हैं, इसका मतलब है 100 में, या फिर इसको हम लोग लिख देते हैं बटे 100। ठीक है, यहां पर कुछ भी डिजिट रहेगा। तो इस प्रकार से प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। अगर इसी को हम परसेंट के रूप में समझें तो यहां पे भी हमको दो वर्ड मिलता है, पर और दूसरा है सेंट। यहां पर भी सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब यहां पर भी होगा प्रति या फिर एक। तो इस प्रकार से इसका मतलब भी हो गया 100 में से। अगर हम कहीं पर बोलते हैं कि आपको, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी का जो है टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में जो है आपको 100 में से यदि आपको 60 नंबर मिलते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? या इसको लिखा जाता है 6/100। इसका मतलब हुआ कि 100 में से 60, ये हो गया आपका प्रतिशत। और इसी को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 60%। अगर कहीं पर दिया हुआ है 60%, इसका मतलब होता है कि 100 में से उसको जो है 60 प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 1% लिखें, इसका मतलब होगा 1/100। 2% मतलब 2/100। और इसी प्रकार से अगर कहीं पर x प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x/100। तो ये जो है थोड़ा शॉर्टकट में जो है इसका इंट्रोडक्शन था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब चूंकि इस चैप्टर में पूरा प्रतिशत के बारे में चर्चा करना है, इसलिए कुछ चीजों पे और हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपको जो है कोई भी भिन्न दिया गया है और बोला जाता है कि इसको जो है प्रतिशत में बदलो, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया गया है 1/4 और इसको जो है प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाता है, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 × 100%। अब यहां पर देखते हैं कि 100% क्यों लिखा गया। क्या हमको इसके साथ जो है 100% लिखने में कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कारण अगर 100% है, इसका मतलब क्या होगा? 100/100 अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1। और किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा किया जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/4 × 100% लिख सकते हैं। अब इसको कटा देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा ये हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार से 1/4 जो है कितना कहलाएगा? 25% कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया गया 3/4 और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए, तो हम लिख सकते हैं 3/4 × 100%। 4 × 1 = 4 और ये 4/25 लिख देता हूं डायरेक्ट, यहां पर अभी कटाए हैं इसलिए मैं ऐसे कर दिया। तो यहां पे आ गया आपका 3 × 25%, यानी कि 25 × 75%। तो ये 1/4 जो है 25% हुआ और 3/4 जो है 75% जो है होता है। तो इसी प्रकार अगर और भी आगे हम चाहें, तो आपको यदि भिन्न के रूप में दिया है तो प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्ट जो है गुणित 100% कर देंगे, जितना कटेगा हम कटा देंगे, जो आएगा वही जो है उसका प्रतिशत रूप होता है। अब यदि कुछ ऐसा प्रश्न दिया गया हो, मान लो 200 का 25% ज्ञात करो, तो इसको हम कैसे हल करेंगे?
200 का 25%, तो यहां लिख देंगे हम 200 का मतलब होता है गुणा, और 25% मतलब क्या हो जाएगा, ये 25/100, 25 एकम 25, 25 चौ 100, अब कटा देंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 शून्य 0, यानी कि ये कितना आ गया आपका 50। मतलब 200 का 25% अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 50। तो इसी तरीके से जितना भी हमको दिया रहेगा हम आसानी से उसका प्रतिशत जो है ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए और एक ले लेते हैं, 400 का 40%, तो ये क्या हो जाएगा, 400 × 40 मतलब 40/100, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 40, 4 शून्य 0 और 4 चौक 16, कितना आ गया 160। तो इस प्रकार से ये जो है आपका प्रतिशत से संबंधित जो है कुछ सामान्य जानकारी था। अभी और हम चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। मान लेते हैं आपको जो है एक वृत्त दिया गया है, और ये वृत्त जो है पूरा एक 100% है। अब इसको अगर मैं 4 भाग में बांट दूं, बराबर बराबर 4 भाग में बांटा गया है, तो ये इसका एक एक भाग कितना प्रतिशत कहलाएगा, 25-25% कहलाएगा, क्योंकि टोटल जो है कितना प्रतिशत है, 100%, बराबर 4 भाग में बांटे हैं, तो एक एक भाग कितना कहलाएगा, 25%। अब इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक भाग लेंगे तो 25%, 2 भाग लेंगे 50%, 3 भाग लेंगे 75% होगा। अब इसको जो है हम अलग अलग लेकर के देखते हैं। जैसे यहां पर मैं इसको एक भाग को ले लिया, अब यदि इसको भिन्न में लिखने के लिए बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे, 1/4। क्यों 1/4 लिखोगे, कारण ये है कि 4 भाग का एक भाग लिया गया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये 1/4। अगर इसी को प्रतिशत में बदलने की बात करें तो कितना कहलाएगा, ये 25%। इसी को अगर हम दशमलव में बदलने की बात करें तो दशमलव में बदलने पर कितना आएगा, ये दशमलव में हो जाएगा 4 से 1 को भाग दीजिए, 4 से 1 को भाग देंगे, 4 शून्य 0 1, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे, 4 × 2 8, 2 बचेगा, शून्य बढ़ाएंगे, 4 × 5 20, यानी कि ये हो जाएगा 0.25। अगर एक चीज और मैं लिख दूं अनुपात, तो यहां पर 1/4 जो लिखा है यही क्या बन जाएगा आपका, 1/4। सेम चीज अगर हम लें और इसके 2 खंड को हम ले लें, है ना, इसका 2 खंड ले लेते हैं, तो 2 खंड लेने पर क्या होगा, 4 भाग का 2 भाग, यानी कि 2/4। अगर हम कटा दें 2 एकम 2 दूनी, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि इसका भिन्न रूप क्या हो गया, 1/2। क्योंकि हम 2 पार्ट को ले रहे हैं तो ये आपका कितना प्रतिशत कहलाएगा, 50% कहलाएगा, और दशमलव रूप अगर लिया जाए तो 2 से 1 को भाग दे देंगे, ये आएगा 0.50, और अनुपात में अगर बात करें तो ये हो जाता है 1/2। अब बोलेंगे कि भाई यहां पर प्रतिशत तो हमने चित्र को देख करके बनाया है, यहां से तो हमने बनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम कर सकते हैं। 1/2 जैसे दिया गया है, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणित 100% का गुणा करते हैं, 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम, कितना आ गया, 50%। तो इस प्रकार से यहां पर जो है ये तुलनात्मक एक ये दिया गया है, ये आपका डायग्राम हुआ, यहां पर भिन्न, यहां पे प्रतिशत, यहां पर दशमलव, और यहां पर दिया गया है अनुपात। अगर इसी में अगर हम लोग जो है 3 पार्ट को ले लें, ये 2 पार्ट हो गया और ये हो गया 3, तो 4 भाग का 3 भाग लेने पे उसको हम कैसे लिखते हैं, भिन्न में 3/4। अगर प्रतिशत में लें तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, ये 75%, 75% आ जाएगा। दशमलव अगर लें 0.75, और अनुपात में अगर हम लेंगे तो ये कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग जितना भी प्रतिशत से संबंधित हम लोग जो उपयोग करने वाले हैं लगभग लगभग हमने कवर कर लिया है। तो ये जो है एक छोटा इंट्रोडक्शन वीडियो था परसेंटेज से संबंधित। तो
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न को जो है हल करेंगे।